गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। महाराज, इस बार आम पेड़ पे बहुत हुआ है। हाँ, ठीक बोल रही हो। इस साल आम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा खराब? छोड़िए, हमारे बगीचे में आम कैसा हुआ है वो बोलिए। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बगीचे में जैसा अच्छा अच्छा आम का पेड़ है, मैं गर्व से कह सकती हूँ, वैसा हमारे सखी के बगीचे में नहीं। तो फिर क्या करोगी? अपने सखी को बुला के आम दिखाओगी? आम नहीं दिखाऊंगी, आम उसे भेजूंगी। सोने के थाली में ढका हुआ आम भेजूंगी मैं उसे। जो तुम्हारी मर्जी। पन्नाव रानी, बर्दवान की रानी आपके लिए कुछ उपहार दी है। क्या है? दिखाओ दिखाओ। अहे, सोने की थाली में आम। हाँ, ये क्या? पत्र में कुछ लिखा हुआ है। सखी, तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य का आम भेजी हूँ, खा कर देखना। और हाँ, ज्यादा देर तक काट के मत रखना, वरना तुम्हारे सजावट जैसा गल जाएगा। देखिए महाराज, सखी मेरे लिए कैसा लिखी है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सखी लग रहा है अगले जन्म में मंत्रा या केके थी। चलो बगीचे में। ठीक है, चलिए। महाराज देखिए, इस बार पेड़ भी जितना आम हुआ है वैसा ही लीचू भी बहुत हुआ है। हाँ, बहुत हुआ है। महाराज, मैं कुछ सोची हूँ। क्या सोची हो रानी? गोपाल, एक लौता गोपाल ही अच्छा से जवाब दे सकता है। आप गोपाल को ही बुलाइए। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब परेशान मत होइए महाराज, इसका इलाज मेरे पास है। अब बगीचे का पहरेदारी का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं महामंत्री से इस बारे में बात करूंगा। इतना बड़ा बगीचा, इतना सारा पेड़ और इतना सारा लीचू, पहरियों को अगर कहेंगे पहरा देने के लिए तो वो खुद खा जाएंगे। तो क्या किया जाए? महाराज, ये कौन कहा है? हमारा गोपाल। महाराज, मैं कुछ सोचा हूँ। मैं गबूचंद्र और सेनापति गोपाल और कविराज, हम लोग मिलकर बगीचे का पहरेदारी करें तो कैसा होगा महाराज, बोलिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों गोपाल, तुम क्या कहते हो? आपका जैसा मर्जी है महाराज, वैसा ही होगा। आज रात से हम लोग पहरा देना शुरू कर देंगे। कितना अंधेरा वाला रात है। रात में अंधेरा नहीं होगा तो क्या होगा? रात में रश्मि मैंने तो कभी नहीं देखा। वाह, तुम चुप हो जाओ तो। गोपाल, तुम दोनों यहाँ पहरा दो, हम तीनों उधर जाते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है, यही पहरा देते हो तुम। पश्चिम तरफ के लीचू पूरा चोरी हो गया। कल रात में पश्चिम की तरफ तो मंत्री जी पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ, दे रहे थे। आज रात को कोई चोरी नहीं होना चाहिए, तेज़ी से पहरा देना तुम लोग। हबूचंद्र, हम लोग आज बगीचे के चारों तरफ पहरा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अभी चलो हम लोग पूर्व दिशा की तरफ पहरा देते हैं। गोपाल, तुम लोग पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। चलो हम लोग चलते हैं पूरब की तरफ। ये तो बहुत शर्म की बात है, कल रात को बगीचे में चोर लीचू खा खा कर लीचू का छिलका फेंक रखे हैं।
सुना हूँ कि पहरा देने से चोर चोरी नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। क्या हो रहा है महामंत्री? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गोपाल, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जी नहीं महामंत्री। ठीक है, देख रहा हूँ महाराज क्या किया जाए। आज होशियार रहना पड़ेगा, चोर कैसे भी करके पकड़ना होगा। हम इस तरफ चलते हैं, गोपाल तुम उस तरफ जाओ। कभी रत्न, चलिए हम लोग छुपकर उनके पीछे जाते हैं। हाँ चलिए। लीची बहुत मीठा है। हाँ बहुत मीठा है। क्या समझे कभी रत्न? बिल्ली दूध का पहरा दे रहा था। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब रुकिए मैं आ रहा हूँ। लीचू खाकर मेरा पूरा पेट भर गया। तुम कौन हो? पहचान नहीं पा रहा है। मैं लीचू भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहता हूँ। कुछ दिनों से तुम लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम लोग आज मैं तुम्हें मार दूंगा। राम 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 राम। डर गए कभी रत्न? डरिए मत, मैं गोपाल हूँ। चलिए अब घर चलते हैं। जैसे मैं सबको डराया हूँ, अब चोरी नहीं होगा। हाँ चलो। अच्छा हुआ अब बगीचे में भूत के बजाय से लीचू अब चोरी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, वर्धमान की महारानी को जवाब देने के लिए लीचू भी ले आया हूँ। प्यारी सखी, तुम्हारा आम बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन मीठा नहीं था। अगर मीठा होता तो तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाता। इसीलिए सोचकर मैं अपने बगीचे का मीठे मीठे लीचू भेजी हूँ। हो सके तो इस लीचू को खाकर तुम्हारे मन का कड़वाहट दूर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, मौका मिलने दो तब बताऊंगी तुम्हें।